सर क्या कहेंगे आप, बाबा सिद्दीकी जो इस वक्त शरद पवार, माफ कीजिएगा, अजीत पवार एनसीपी गुट के नेता थे और पहले पूर्व कांग्रेस नेता रहे, उनको दिन दहाड़े एक तरीके से मुंबई के अंदर गोली मार दी गई है। अब तक तैरुआ को सुराग नहीं मिल पाया है। देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, देश में सुरक्षित कौन है? ये बहुत हतप्रभ करने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं और बाबा सिद्दीकी का जाना, एक हंसते मुस्कुराते नेता का चला जाना है, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके बेटे जीशान सिद्दीकी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है यानी सत्ता के केंद्र में है, और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी, पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है? अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में टोटल कानून व्यवस्था कोलैप्स है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे आप? सर, आखिरी एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कितना जो है चौंकाने वाली घटना लगती है कि सुरक्षा बढ़ाई जाती है, थ्रेट मिलता है, उसके बावजूद ऐसी घटना हो रही है। और अब चंद दिन ही बचे हैं जब जब चुनावों का भी ऐलान होना है, तो ऐसे में और एजेंसीज अलर्ट पर रहती हैं, उसके बावजूद ऐसी जो चूक हो रही है, तो ये कितनी बड़ी देखिए, बांद्रा जैसी पॉश इलाका और एक हाई प्रोफाइल नेता जिसके बॉलीवुड से कनेक्शंस हैं, जिसके राजनीति में इस समय मौजूदा सत्ता में कनेक्शंस शानदार हैं, जिसको सुरक्षा है, जिसका बेटा विधायक है, जो पूर्व विधायक है, मंत्री रह चुका है, वो व्यक्ति अगर दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम महाराष्ट्र में इस तरह का कल्चर नहीं है, महाराष्ट्र में राजनीति में इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, और मुझे लगता है कि ये इसी के साथ, इसी घटना के साथ महाराष्ट्र के चुनाव का आगाज भी सरकार करवा रही है। मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। मैं खुद बहुत हैरत में हूँ। बाबा सिद्दीकी साहब को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता रहा हूँ, उनके बेटे को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक व्यक्तिगत लॉस भी है मेरा। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहाँ सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है, तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? जिस तरह से गाड़ी पे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो हम लोगों के पास इनपुट है कि बॉडी ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था, इतनी बड़ी घटना पे सरकार क्या कहेगी, क्या मानेगी? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नहीं है? बहुत दुखद है, हम सब बहुत दुखी हैं इस घटना से।